गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटर हूँ। आज हम स्टैटिक जीके का एमसीक्यू करेंगे रैपिड फायर, तो आप जल्दी जल्दी बस आंसर देते रहना, ठीक है। तो कल का जो शेड्यूल रहेगा, 1:55 पे आपकी क्लास है अनअकैडमी पे, 4:55 पे अनअकैडमी पे, 7 PM पे आपकी क्लास है यहीं पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पे, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। और रात को 10:30 बजे है, कल रात को क्लास 11:15 नहीं होगी, 10:30 बजे होगी। तो कल सभी बच्चे 10:30 बजे क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम का चैनल है, तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास की अपडेट, PDF एंड नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कल मंथ का एंड है, तो कल में आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है परसों से आपको और ऑफ़र नहीं मिले जो अभी मिल रहे हैं। क्योंकि अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल मंथ फ्री मिल जाते हैं। तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, तो इस कोड का यूज़ करें और 12 या 24 महीने का ही प्लान लें। 12-24 महीने प्लान इसलिए क्योंकि ये प्लान आपको सस्ता भी पड़ेगा, और जो SSC का सिलेबस है वो थोड़ा लंबा सिलेबस है, प्रोसीजर लंबा है, तो इसलिए भी आप लोग 12 या 24 महीने का प्लान लीजिए। और जब भी प्लान लेते हैं तो कोड यही यूज़ करिए, आप ये किसी भी सब्सक्रिप्शन पे कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी के। तो स्टैटिक GKGS का MCQ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट का सभी बच्चे का आंसर जल्दी से बताओ, कंचनजंगा, आरवी का ए, संजीव का बी, प्रकाश का असम। असम ये कंचनजंगा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच स्टेट इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। किस राज्य में मानस वाइल्ड लाइफ अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी आसाम। क्वेश्चन नंबर टू, त्रिपुरारी पासवान, नितिन, ममता, गुड इवनिंग, बताइए मानस। तो तुषार चौधरी, DK, तपन, संजीव, सभी का आंसर है आसाम। एंड आसाम एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग जानते ही है कि मानस कहाँ पे है? आसाम में है। टोटल 7 नेशनल पार्क है आसाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोयम्बटूर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोयम्बटूर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी नोयाल। और कामेश, आपने कल कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था, मैंने देखा था, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, ठीक है कामेश। तो यहाँ पे सभी का आंसर थर्ड का सी, आरवी का, चेतन का, उत्पल का, सभी बच्चे सी ही दे रहे हो। करेक्ट आंसर इज डी नोयाल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिर्फ सुशांत यदुवंशी का आंसर ठीक है, बाकी किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, नोयाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उंडावली केव्स इज सिचुएटेड इन। उंडावली गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गुड इवनिंग संचिता, संजीव का भी आंसर ठीक था फोर्थ का, थर्ड का सॉरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का संजीव का आंसर है सी, और संजीव आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अक्षय नमस्ते, गुड इवनिंग अक्षय। एक बार आप सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तुषार का वेस्ट बंगाल फिफ्थ का, कामेश का मेघालय, कुणाल का ए, संजीव का बी। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं बी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंदामान एंड निकोबार आइलैंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका तो आंसर दे ही दोगे। आंदामान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कावारत्ती, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी कोहिमा, या ऑप्शन डी सिल्वासा। आंदामान और निकोबार की राजधानी क्या है ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। और सारे बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो। तो यहाँ पे संजीव का आंसर है बी, तपन का बी, नितिन का बी बिल्कुल, और सी उत्पल। आयुष, तुमने कोहिमा को आंदामान की राजधानी बना दी, तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी क्या बनेगी फिर? हाँ,
नागालैंड की है कोहिमा. आंसर इज बी पोर्ट ब्लेयर. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड. रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी केनिया में, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स में, या ऑप्शन डी पेरिस में. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, तो सेवेंथ का डी के मीना, अमित नगारे, संजीव तुषार, कुमार चेतन, सभी का आंसर ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर. और एक और चीज़, कभी भी आपसे हेडक्वार्टर जब पूछता है तो जानते हो आप लोग भी कि ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके स्विट्जरलैंड पे टिक लगा देना, क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि अभी जो सबने ए बोला है सिर्फ एक कारण से ए बोला है, चाहे उनको पता हो या नहीं हो कहाँ पे है हेडक्वार्टर, उनको ये पता है कि ज़्यादा स्विट्जरलैंड में है तो ए करेक्ट आंसर होगा. ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी बैड लक चलता है तो आंसर गलत भी हो जाता है. व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोसोवो? कोसोवो की राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए मैड्रिड एंड दिनार, ऑप्शन बी डब्लिन एंड यूरो, ऑप्शन सी प्रिस्टीना एंड यूरो, या ऑप्शन डी मॉस्को एंड रूबल. क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर एट, जय माता दी तुक्का. लेकिन जय माता दी तुक्का में साथ देती है, वो भी तब जब हमारा एग्जाम नहीं होता, जब एग्जाम होता है तब माता जी साथ नहीं देती. क्वेश्चन नंबर आठ, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रिस्टीना एंड यूरो. और सभी का आंसर, सुशांत का, संजीव का, चेतन का, शाहिद प्रकाश का, सभी का आंसर सी है. केवल सूजन का आंसर है डबलिन. सूजन डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ठीक है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, तो इसलिए बी आंसर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी बॉक्सिंग से, ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग से. और मुझे कमेंट करके जल्दी से ये भी बताइए कि इस बार मीराबाई चानू को कौन सा मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक में. टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को कौन सा मेडल मिला है? क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सभी बच्चों का आंसर है डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा मेडल जीता है मीराबाई चानू ने? सिल्वर मेडल. बिल्कुल, सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, ठीक है? एंड आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर टेंथ, व्हेन इज द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 30 अप्रैल. वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? और सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को. तो सभी का यहाँ पे रजत पदक सही है, सिल्वर सही है, सेकंड पोजीशन सही है, तो सभी का करेक्ट आंसर है 1 जून, ठीक है? 1 तारीख को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11th, वेयर इन इंडिया इज द चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत में चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में. क्वेश्चन नंबर 11th, गुड इवनिंग मुकुंद जोशी. और सब इतना कंजूसी मत करो, सेशन को जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो. शेयर करोगे तभी तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 11th, तो 11th का डीके मीना का बी आया है, शाहिद का बी आया है, नितिन कुमार का ए आया है. तो नितिन चंद्रपुरा को पहुंचाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन बिहार में नहीं है, झारखंड में है नितिन. आंसर इज बी झारखंड. क्वेश्चन नंबर 12th, इन विच स्टेट इज द एल्बर्ट हॉल म्यूजियम लोकेटेड? किस राज्य में एल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी आसाम. क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th, तो 12th का सभी का आंसर आ रहा है सी 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 सी. यस, सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में. क्वेश्चन नंबर 13th, द मार्बल रॉक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? संगमरमर चट्टानें किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. मार्बल रॉक है तो मार्बल से गेस कर सकते हो आप आंसर क्या होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13, मार्बल दे दिया है, संगमरमर जब आपके सामने ऑप्शन में है तो आप गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो. अमरनाथ, देखो संजीव, मैंने कहा था मार्बल दिया हुआ है, कॉमन सेंस लगाओ आंसर पता चल जाएगा. संजीव, विमल, आप दोनों ने नहीं लगाया कॉमन सेंस, है ना? उत्पल, आपने भी नहीं लगाया. आंसर इज डी मध्य प्रदेश. मार्बल के लिए फेमस है मध्य प्रदेश,
ठीक है, स्पेशली कटनी जो आता है ना पत्थर, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा इज रिटन बाय विच ऑथर, किताब हमारे पेड़ अभी भी देहरा में बढ़ेंगे, जो ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई किताब है? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रश्किन बॉन्ड या ऑप्शन डी चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 14th का मुकुंद जोशी का सी है, तुषार का डी है, चौरसिया का बी है, तो सिर्फ मुझे अभी मुकुंद का आंसर सही दिखाई दिया। एंड मुकुंद, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, रश्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच सिटी, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15th का बताइए आंसर। 15th का मुकुंद का कानपुर, सुशांत का कुनाल, सोनू का, तो जिसका भी लखनऊ और देहरादून आ रहा है गलत आंसर है, आंसर इज ए कानपुर। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल शुगर, ये रिपीट हो गया, द लग्जर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, लग्जर मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इजिप्ट में, ऑप्शन बी रशिया में, ऑप्शन सी एंगोला में, ऑप्शन डी इथोपिया में। क्वेश्चन नंबर 17, राम प्रवेश सैनी हेलो, मोहम्मद शाहिद हेलो, तो आरवी का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का अमरनाथ का आंसर ए है, एंड अमरनाथ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिटी इज द फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, किस शहर में फांगपुई ब्लू नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी सिक्किम। मोदी जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का सुशांत, उज्ज्वल, प्रनीत, संजीव, सोनू, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। और सुशांत, मैं एक बारी होगा तो एक बारी ऐसा करूँगी कि स्पेशल मीटिंग हो जहाँ पे मैं तुमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछूँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमको ऐसा जो लगता है, तो मैं चाहूँगी कि जो, और तुमने एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि पर्सनली मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ, एक ऐसा सेशन कंडक्ट हो जहाँ पे वो लाइव सेशन चले, तब पता चले कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हम्पी में स्मारकों का समूह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी राजस्थान में। 19th मनीष का आंसर बी है। तुम इतना ही रेडी होना तो तुम कल उस पर आ जाना, अनअकैडमी के ऐप पे जो क्लास होगी ना वहीं पे आ जाना तुम। 19th बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। 20, बारकतुल्ला खान स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बारकतुल्ला खान स्टेडियम किस राज्य में है? ऑप्शन ए एमपी में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी राजस्थान में। 20, तो सूजन त्रिपुरारी, संजीव, डीके मीना प्रकाश, मोहम्मद शाहिद, ऋषिकेश, प्रनीत, सभी का आंसर डी है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, औरैया थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, औरैया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी यूपी में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी मेघालय में। और सारे बच्चे एक बारी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 21 श्रेया क्रिएशन का आंसर सबसे पहले आया है और एकदम करेक्ट आया है श्रेया, आपका आंसर, आंसर इज बी यूपी में है औरैया थर्मल पावर स्टेशन। 22, व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम बिफोर टू वर यूनाइटेड, दोनों के एकजुट होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या था? ऑप्शन ए हिडनबर्ग, ऑप्शन बी 38 पैरेलल, ऑप्शन सी 17th पैरेलल या ऑप्शन डी मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 22, टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये वाला जियो ऑब्लिक जी एस बाई वर्षा सिंह।
क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल 22 आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यमन, यमन की राजधानी और मुद्रा क्या है. ऑप्शन ए सना एंड रियाल, ऑप्शन बी अंकारा एंड पीसो, ऑप्शन सी सियोल एंड वोन, या ऑप्शन डी निकोशिया एंड यूरो. क्वेश्चन नंबर 23, टेलीग्राम चैनल का नाम है GA/GS बाय वर्षा सिंह, ठीक है. ये है टेलीग्राम चैनल का नाम, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे. 23rd यमन की, बिल्कुल ए सना एंड रियाल, ठीक है. 24th, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है. ऑप्शन ए 14th अगस्त को, ऑप्शन बी 23rd मार्च को, 23rd जून को सॉरी, ऑप्शन सी 19th मार्च को, या ऑप्शन डी 30th अप्रैल को. क्वेश्चन नंबर 24th, तो 24th का संजीव, मनीष, कुणाल, डीके मीना, ऋषिकेश, श्रेया क्रिएशन. क्लास की टाइमिंग 11:15 PM पे है, लेकिन कल आपकी क्लास थोड़ी जल्दी होगी, 10:30 पे. कल 10:30 PM पे ही होगी, 45 मिनट पहले. तो आंसर इज 23rd जून. क्वेश्चन नंबर 25, द गांधी स्टेडियम एट गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड इज सिचुएटेड इन. गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है. ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल में, या ऑप्शन डी पंजाब में. 25 का सूजन कुमार का आंसर आया है सबसे पहले, और सूजन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पंजाब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. 26, विद विच स्पोर्ट इज द एजरा कप एसोसिएटेड. एजरा कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है. ऑप्शन ए पोलो से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, या ऑप्शन डी गोल्फ से. क्वेश्चन नंबर 26. 26, एजरा कप इज रिलेटेड टू, महाराष्ट्र नहीं होगा भूपेंद्र, उसका पंजाब होगा करेक्ट. 26 पोलो से, एजरा कप इज रिलेटेड टू पोलो. पोलो से एक ही कप पूछा जाता है, वो भी एजरा कप. क्वेश्चन नंबर 27, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द दिबांग डैम सिचुएटेड. भारत में किस राज्य में दिबांग बांध है. ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी अरुणाचल में, ऑप्शन डी राजस्थान में. दिबांग डैम कहाँ पे है भारत में. बताइए जल्दी से. तो सभी का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का अरुणाचल प्रदेश आ रहा है. बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है. सभी का यहाँ पे सूजन, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है बी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा. दिबांग डैम आपके अरुणाचल प्रदेश में है, और दिबांग रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है. किस रिवर पे बना हुआ है. दिबांग रिवर पे ही बना हुआ है. तो आंसर इज सी. 28, सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है. ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी बिलियर्ड से, ऑप्शन सी बास्केटबॉल से, या ऑप्शन डी फुटबॉल से. सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है. तो यहाँ पे सभी का आंसर है बिल्कुल फुटबॉल से. इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, एंड डी इज द करेक्ट आंसर. 29, थेलियार फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट. थेलियार फॉल्स किस राज्य में है. ऑप्शन ए केरला में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या ऑप्शन डी मिजोरम में. 29, थेलियार फॉल्स कहाँ पे है बताइए. 29 का तो नील श्रीवास्तव ने सबसे पहले आंसर दिया, और एकदम करेक्ट आंसर दिया नील. आंसर इज बी तमिलनाडु, ठीक है. थेलियार फॉल्स आपके तमिलनाडु में है. 30, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन लोकेटेड. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है. ऑप्शन ए जेद्दा, ऑप्शन बी लॉस एंजलिस USA, ऑप्शन सी मोनैको, या ऑप्शन डी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, 30 का अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है. सुशांत
मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा ये आंसर गलत है। आंसर इज सी मोनाको। तो तुम तो एक यहीं पे गलत कर बैठे। 31 व्हाट इज द करेंसी ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी नाकफा, ऑप्शन सी गॉड या ऑप्शन डी कोरोना। क्वेश्चन नंबर 31। सिर्फ संजीव ने सही आंसर दिया था, कामेश ने सही आंसर दिया था, और सुशांत अपना आंसर अब चेंज कर लोगे तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल कुणाल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, चेक कोरोना इज द करेक्ट आंसर। 32 नाटी नामगेन करियाला आर द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। नाटी नामगेन करियाला किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हिमाचल का, ऑप्शन बी आसाम का, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल का या ऑप्शन डी उड़ीसा का। 32 और सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 32 का बताओ, 32 का नील का आंसर है सी। 32 कोई ऑप्शन छोड़ोगे भी, सारे ऑप्शन आंसर में बता रहे हो। तो 32 का वंदना बेस्ट आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। वंदना ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, भूपेंद्र ने, सूजन ने, उत्पल ने, ए इज द करेक्ट आंसर। राम प्रवेश सैनी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। हर साल बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अगस्त या ऑप्शन डी 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 33 श्रेया क्रिएशन का आंसर है बी, शुभम का बी, भूपेंद्र का, शुभाशीष का, राज का, रवि का, उत्पल का एंड आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। 34 इन विच सिटी इज द ईस्ट कोस्ट रेलवे क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। ईस्ट कोस्ट रेलवे क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में या ऑप्शन डी आपके पोर्ट ब्लेयर में। दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पे आसानी से छट जाएंगे, दो ऑप्शन में से बताइए आंसर क्या होगा। 34th क्वेश्चन नंबर 34th। तो 34th का श्रेया क्रिएशन नील, शिवानी दुबे, अक्षय, सुशांत सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर इज शी वो सी भुवनेश्वर। 35 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मीगा। मीगा का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी यूके या ऑप्शन डी रशिया। क्वेश्चन नंबर 35 मीगा का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 तो राम प्रवेश का आंसर ए है, सूजन का ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर, वॉशिंगटन डीसी यूएस में। क्वेश्चन नंबर 36 थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी टेनिस से या ऑप्शन डी बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 36 थॉमस कप इज रिलेटेड टू, तुषार चौधरी का आंसर है डी, नील का बी, उत्कर्ष गुप्ता का डी, राजीव का डी, यूपीएससी नॉलेज का भी डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। विशाल सिंह आपका आंसर गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। वंदना आपका भी आंसर गलत है, टेनिस नहीं होगा, बैडमिंटन होगा। चंडील डैम इज बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चंडील बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37 चंडील बांध कहाँ पे है भारत में, किस राज्य में? तो सभी का आंसर यहाँ पे झारखंड आ रहा है, उत्पल का आंसर आ रहा है महाराष्ट्र। उत्पल तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया जाएगा वहाँ महाराष्ट्र में। आंसर इज सी झारखंड। किस रिवर पे है? सुवर्णा रेखा रिवर पे, ठीक है, सुवर्णा रेखा रिवर पे बना हुआ है आपका चंडील डैम एंड आंसर इज सी झारखंड। 38 नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 38 नागरहोल कहाँ पे है, लेकिन खर्चा भी तुमको ही करना पड़ेगा वहाँ पे बनवाने के लिए। तो सभी का आंसर है यहाँ पे, नील का आंसर है सी। नील आंसर गलत है आपका,
और भूपेंद्र आपका भी आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज बी कर्नाटका, ठीक है, नागरहोल आपके कर्नाटका में है। 39th द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी यूएस में, ऑप्शन सी यूके में, या ऑप्शन डी फ्रांस में। 39th, 39th का शेयर मार्केट लेके आओगे, तो 39th का सभी का आंसर नील का सी, डीके मीना का बी, संजीव का आंसर है वियना। संजीव यहाँ पे मुझे तो वियना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुमको वियना दिखाई दे रहा है। मुकुंद का आंसर है पेरिस, एंड पेरिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 38 करेक्ट आंसर इज डी। 40 इन विच स्टेट इज द जगदालपुर एयरपोर्ट बेस्ड, जगदालपुर एयरपोर्ट किस राज्य में है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, और सारे बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। 40, जगदालपुर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तेजस फाइटर आपका मुझे पहली बारी अभी कमेंट दिखा है, भगवान ने आपकी सुन ली, आपका कमेंट दिख गया, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, छत्तीसगढ़ में है जगदालपुर एयरपोर्ट। 41, द हेडक्वार्टर ऑफ विपो इज लोकेटेड एट, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी यूएस में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी यूके में। बताइए विपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो विपो का हेडक्वार्टर तेजस फाइटर आंसर दो अब, तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, विपो का बिल्कुल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बेरूत किस देश की राजधानी है, ऑप्शन ए लेबनन की, ऑप्शन बी नाइजीरिया की, ऑप्शन सी साउथ सूडान की, या ऑप्शन डी यमन की। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा पापी कोंडा और नागरहोल का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तुम उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का बिल्कुल ए करेक्ट आंसर, साउथ सूडान कौन बोल रहा है, साउथ सूडान वाले गलत हो, वैसे साउथ सूडान की राजधानी बताना क्या है सुशांत, बिना गूगल किए बताना। वैसे द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इज अ नोवल बाई विच इंडियन सेलिब्रिटी, ऑप्शन ए ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 43, तो 43rd का बताइए, बिल्कुल करण जौहर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है करण जौहर है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक अन्ना क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी जयपुर। बताइए खार्तुम या जूबा दोनों आंसर दे रहे हो, मैंने बस कैपिटल पूछा था, दो दो ऑप्शन नहीं पूछे थे कि दो ऑप्शन दो उसमें से मैं आपको एक बताऊं कि हाँ ये है। क्वेश्चन नंबर 44th, तो 44th शुभाशीष का आंसर है ए, आरवी का ए, प्रियांशु का ए, संजीव का ए, एंड सभी का ए बिल्कुल ठीक है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ऑप्शन ए हिमाचल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 45, चंदन आर्य आज तो सुन लिया ना, और आज देख भी लिया बोर्ड पे, तो रणथंभौर कहाँ पे है, बिल्कुल राजस्थान में है, ठीक है, तो याद रखना साउथ सूडान, सूडान से कब हुआ था, किस वर्ष में, 2011 में, ठीक है 2011 में सूडान से अलग होकर के साउथ सूडान बना था, तो साउथ सूडान की राजधानी क्या है, जुबा, और सूडान की क्या है, खार्तूम, ठीक है। 46, यूको बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी, यूको बैंक का मुख्यालय किस शहर में है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। छत्तीसगढ़ में नहीं होगा वीरेंद्र, राजस्थान में है। हाँ तेजस, तुमको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 46,
तो 46 का सभी का आंसर है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे यहाँ पे मुंबई और दिल्ली भी का बोल रहे हैं, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बारहसिंघा, ऑप्शन बी इंडियन जायंट स्क्विरल, ऑप्शन सी इंडियन एलिफेंट, या ऑप्शन डी ब्लैक बक। क्वेश्चन नंबर 47। और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। तो 47 का आंसर बारहसिंघा। वाओ, ठीक है ठीक है, मध्य प्रदेश बारहसिंघा। इसके अलावा यूपी का भी कौन सा है? बारहसिंघा। 48, भूपेश बघेल इज द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? भूपेश बघेल किस राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन ए एमपी के, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन सी राजस्थान के, या ऑप्शन डी झारखंड के। भूपेश बघेल कहाँ के हैं? पवन रावत तुम्हारे लिए गोरिल्ला है? चंदन आप तुक्के नहीं मारते हो तो अच्छी बात है। तेजस तुमको टेलीग्राम, ये रहा चैनल, दिखाई दे रहा है ना, मैं साइड हो गई, दिख रहा है टेलीग्राम का चैनल, यहाँ पे मिलेगा। तो एमपी वाले सुशांत मध्य प्रदेश के, भूपेश बघेल तुमने तो बस फेल हो गए तुम यहीं पे। आंसर इज बी छत्तीसगढ़। ठीक है, भूपेश बघेल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। एमपी के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, एमपी के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ स्पेशल सेशन कंडक्ट करवाऊंगी, क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी, तुम तो एमपी का नहीं बता पा रहे हो। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? विश्व पर्यटन दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 19 अगस्त को, ऑप्शन सी 9 नवंबर को, या ऑप्शन डी 27 सितंबर को। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 27 सितंबर को। अब जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि 28 सितंबर को, 28 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? अभी मैंने पिछले दो तीन दिन में ये दो तीन बार ही डिस्कस भी किया है, 28 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुनील राजस्थान के है, अशोक गहलोत। तो टूरिज्म नहीं, रेबीज डे करेक्ट आंसर। रेबीज डे मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा डे मनाया जाता है? रेबीज डे मनाया जाता है क्योंकि 28 सितंबर को किसकी जयंती है? लुईस पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए रेबीज डे मनाया जाता है। 50, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बेस्ड? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए म्यूनिक जर्मनी में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी मलेशिया में, या ऑप्शन डी बुधापेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सभी का आंसर आ रहा है क्वालालंपुर मलेशिया, एंड क्वालालंपुर मलेशिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कंचनजंगा और काजीरंगा दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऋषि बोलो क्या हुआ, सूजन का, ऋषभ का, प्रशांत का, दीप ज्योति का, डीके मीना का, कर्नाटका। डीके मीना कर्नाटका में कब पहुँचा काजीरंगा? आंसर इज ए असम। तो जो भी बच्चे कंचनजंगा और काजीरंगा में कन्फ्यूज होते हैं, काजीरंगा आपके असम में है और कंचनजंगा कहाँ पे है? वो आपके सिक्किम में है, ये याद रखिएगा। 52, मैथ्यू हेडन इज अ रिनोन्ड क्रिकेटर प्लेड फॉर विच कंट्री? मैथ्यू हेडन एक जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी है जो किस देश के लिए खेलते हैं थे? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी इंग्लैंड। 52, शुभम मुझे आपके आंसर दिखते हैं। तो सौम्यदीप, शेख महराज, उज्ज्वल, रतिकांता, शुभम मिश्रा, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। डी शुभम आपने गलत आंसर दिया, इंग्लैंड नहीं है, आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 53, मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मिन्स्क किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए हंगरी की, ऑप्शन बी इक्वाडोर की, ऑप्शन सी कैमरून की, या ऑप्शन डी बेलारूस की। क्वेश्चन नंबर 53, राम प्रवेश, ये सेशन डेढ़ से दो घंटे का होगा मैक्सिमम।
वैसे 2 घंटे ज़्यादा बोल दिए, 1.5 घंटे का होगा। 53rd, अभी 1 घंटे और चलेगी क्लास प्रकाश। 53 का आंसर बताइए। तो 53 का सभी का, तो ऐसा क्यों हो रहा है ऋषिकेश? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो निकालोगे ना, कि जो क्वेश्चन आता है वो भी आप गलत कर रहे हो, तो कुछ तो रीज़न होगा, या तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ढोल तलगाड़ी एंड टोनियाचो खेल आर द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उड़ीसा। 54th, और सारे बच्चे जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो 54th का सभी का आंसर गलत ही आ रहा है अभी तो। रवि कुमार ने सही आंसर दिया है, उत्पल ने, संजीव ने सही आंसर दिया है, बी गोवा इज द करेक्ट आंसर। आदित्य सपोलिया, राहुल त्रिवेदी, आपका आंसर गलत है। लोकेंद्र, आपका भी आंसर गलत है। उत्कर्ष, आपका भी गलत है। करेक्ट आंसर इज गोवा। उज्ज्वल भास्कर, आपका भी गलत है। गोवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व तपेदिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 मार्च को, ऑप्शन बी 8 अगस्त को, ऑप्शन सी 30 नवंबर को, या ऑप्शन डी 17 मई को। नहीं कमल, मैं स्वागत नहीं करूंगी। टिप्स आपके एग्जाम को क्रैक करने का एक ही है, एसएससी के लिए बता देती हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो पक्का आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट उठा लो, ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो तो ही, आज से उस क्वेश्चन पेपर को और एक मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करो। अगर आप बिगिनर हो तो एक स्टार्ट करना, अगर आप पुराने हो चुके हो तो आप 2 डेली लगाना ही लगाना, मैंडेटरी है। और दोनों को लगाने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, आप उसको बाद में जा करके एनालाइज भी करेंगे, ठीक है, उसको बाद में जा करके एनालाइज भी करेंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके जो इंग्लिश को आप लोग बहुत ही ज़्यादा टफ समझते हैं, तो एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के लिए केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर आप इंग्लिश के करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 24 मार्च। 56, महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम इज इन विच स्टेट? महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम किस राज्य में है बताइए? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। विद्यालय में समझ गई? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सभी का गुमान गर्ल का, 56 का डी त्रिपुरा। अच्छा कमल, आंसर इज डी त्रिपुरा। 58, भाडला सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस सिटीज? भाडला सोलर पार्क इनमें से किस शहर में है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी पटन में, ऑप्शन सी रेवा में, ऑप्शन डी नागपुर में। 57th, बताओ 57th का। तो जिसने भी वेस्ट बंगाल आंसर दिया था उनका आंसर तो गलत था लास्ट वाले का। तो 57th का पटन बोल रहे हैं संजीव, जोधपुर सुनील बोल रहे हैं, एंड जोधपुर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, गंगापुर डैम इज एन अर्थफिल डैम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी भीमा, या ऑप्शन डी कोई ना। 58, तो 58 का बताइए। तो 58 का बिल्कुल गोदावरी, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। प्लेलिस्ट आप चैनल पे जब जाओगे वीडियोस के बाद वाले, मतलब स्लाइड करोगे अगर आप, तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। 59th, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एपेक लोकेटेड? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए चाइना में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, या ऑप्शन डी सिंगापुर में। तो यहाँ पे सभी का, संजीव ने सबसे पहले आंसर दिया, सागर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। जोरहट एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज रोरिया एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? जोरहट हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आसाम, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60, पवन अभी ये क्लास 1 घंटे और चलेगी।
क्वेश्चन नंबर 60, तो सभी का आंसर है असम, एंड असम इज द करेक्ट आंसर. 61, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी टेनिस, या ऑप्शन डी फुटबॉल. रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किससे संबंधित है बताइए. क्वेश्चन नंबर 61, 61 का सुनील नामदेव नोहर आंसर दो. दीपांकर राम राम. तो 61 का सभी बच्चे डी सी ए सारे ऑप्शन दे दो. आंसर इज ए. ठीक है, और धीरज ने केवल सही आंसर दिया है और किसी ने भी नहीं. विकास, कल जब मैं डिस्क्रिप्शन बता रही थी तो मैम बच्चों ने बोला कि नहीं मैम आप ऐसे ही जल्दी जल्दी करवाओ. कल तो मैं प्रॉपर बता रही थी. 62, भागोरिया मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. भागोरिया मेला किस राज्य में मनाया जाता है. ऑप्शन ए एमपी में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या ऑप्शन डी एमपी में. दो बारी एमपी हो गया तो इसको आप यूपी कर लो, इसको आप यूपी कर लीजिए. दो बारी एमपी हो गया है. 62 का बताइए. 62 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, एमपी इज द करेक्ट आंसर. 63, नैनीताल इज अ पॉपुलर हिल स्टेशन इन विच इंडियन स्टेट. नैनीताल एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो कि किस भारतीय राज्य में है. ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश. अब नैनीताल तो मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट है, तो सभी को मालूम होना चाहिए कहाँ पे है. तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है. एक बच्चे ने मेरा मन खुश किया आज, शुभाशीष, 1 मिलियन तो ऐसे ही हो जाएंगे. दोनों कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में है. हिमाचल नहीं होगा, उत्तराखंड होगा. नैनीताल उत्तराखंड में है. उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, एचपी में नहीं है. इसलिए तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं क्योंकि पता है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईरान. ईरान की मुद्रा और उसकी राजधानी क्या है. ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी लिस्बॉन, या ऑप्शन डी बर्न. क्वेश्चन नंबर 64, अच्छा मतलब हिंदी में अगर पढ़ना है तो फिर तो क ख ग ही पढ़ो ना. बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, तेहरान. 65, इन विच कंट्री इज द चिंचिला मेलन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. किस देश में चिंचिला तरबूज महोत्सव मनाया जाता है. ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी स्वीडन. क्वेश्चन नंबर 65, 65 का बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 66, मयानी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे. केवल संजीव आंसर सही दे रहे हैं, प्रशांत आंसर सही दे रहे हैं, वर्षा का आंसर सही है, तारिक का आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 66, मयानी बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट. क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर. सुशांत अब तुम्हारे लिए स्पेशली थाईलैंड में तो नहीं होगा ना, बताइए. 66 बिल्कुल महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. 67, लुधियाना इन पंजाब स्टैंड्स अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर. पंजाब, लुधियाना जो कि पंजाब में है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है. ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी सतलुज. क्वेश्चन नंबर 67, एस आर के यादव हेलो. क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए. तो 67 का सभी का आंसर डी है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर. देखो कृष्णा और ब्रह्मपुत्र तो आने का कोई चांस ही नहीं था, सरयू भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता था. आंसर इज सतलुज. 68, वेयर इन इंडिया इज द दुर्गियाना टेम्पल लोकेटेड. भारत में दुर्गियाना मंदिर कहाँ पे है. ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पंजाब में, या ऑप्शन डी तमिलनाडु में. सतलुज बिल्कुल ठीक है, दीपांकर विश्वकर्मा आपका. आप बताइए दुर्गियाना टेम्पल कहाँ पे है 68 का.
सत्यम बाय राहुल सिंह। प्रशांत का आंसर है ए 68 का। उज्जवल का गुजरात। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69th, इन विच स्टेट इज पुष्कर लेक लोकेटेड? पुष्कर झील कहाँ पे है बताइए। ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी राजस्थान में। संजीव केवल सही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब के गलत हो जा रहे हैं। सभी ने गुजरात दिया, सिर्फ संजीव का आंसर सही था, पंजाब अमृतसर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69th, बिल्कुल आंसर इज डी राजस्थान। दुर्गियाना टेम्प मतलब सॉरी पुष्कर लेक इज इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 70, पंचमहल इज अ पैलेस लोकेटेड इन विच स्टेट? पंचमहल एक किला है, महल है, जो कि किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, भारती गोस्वामी का भी आंसर सही था। शुभम मिश्रा के कभी कभी सही होते हैं, लेकिन जब भी सही होते हैं मैं आंसर देख नहीं पाती, और जब गलत होते हैं मैं आंसर देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पे डी, सभी का आंसर डी आ रहा है। ऋषिकेश आपका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज बी यूपी। क्वेश्चन नंबर 71, बांकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? ऑप्शन ए एमपी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल में। तो आप मतलब संजीव आंसर कर देंगे, उसके बाद आप आंसर करोगे उनको चीट करके। क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर इज डी वेस्ट बंगाल। वेदांतो भादुरी का आंसर बिल्कुल ठीक है, उत्पल आयुष का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, गोपीनाथ दास मोहपात्रा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके शुभम, तुम डेली आओ, तुम डेली में भी तीनों टाइम आओ, तीन क्लासेस होती है तो तीनों क्लासेस में आओ। एंडे मुरे इज एसोसिएटेड विद विच गेम? एंडे मुरे का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी चेस से, या ऑप्शन डी पोलो से। और कोई भी आंसर गलत दे दे संचिता, तुमको आंसर गलत नहीं देना, ठीक है? 72, तो संचिता का आंसर सत्यम का, आदित्य सपोला का, स्पोलिया का, स्पोलिया ही हो ना आंसर, बिल्कुल ठीक है, टेनिस इज द करेक्ट आंसर। 73, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर को, ऑप्शन बी 7 जुलाई को, ऑप्शन सी 23 अगस्त को, या ऑप्शन डी 14 दिसंबर को। 73 वो गलती से निकल गया था। 73rd, वेदांतो भादुरी बिस्ला, बिस्ला आपका आंसर करेक्ट है वैसे। लक्ष्य, ऋतिक, संजीव सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 8 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जो क्लासेस की टाइमिंग पूछ रहे हैं, टाइम से अच्छा है आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, तो आपको सारी क्लास की लिंक, अपडेट और PDF मिल जाएगी, GA/GS/ वर्षा सिंह पे। ठीक है, वैसे क्लासेस की टाइमिंग कल की जो रहेगी, कल इस प्लेटफॉर्म पे सुबह 11 बजे क्लास है, उसके बाद 1:55 पे और 4:55 पे क्लास है अनअकैडमी के ऐप पे, शाम को 7 PM पे और रात को 10:30 बजे यूट्यूब पे क्लास है। तो 11 AM, 7 PM और 10:30 ये यूट्यूब पे, और ये दोनों क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे। 74th, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज हेडक्वार्टर्ड एट? ऑप्शन ए मॉरिशियस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी सिंगापुर। 74th, तो 74th IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सागर आना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर इन इंडिया इज द नमेरी नेशनल पार्क सिचुएटेड? भारत में नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आसाम, या ऑप्शन डी मणिपुर। नमेरी नेशनल पार्क, नवीन हाँ फिलहाल तो सभी का आंसर आ रहा है आसाम, एंड आसाम इज द करेक्ट आंसर। सॉरी आसाम इज द, आसामी पे तो लगाया है, हाँ आसाम इज द करेक्ट आंसर। 76, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन ए
राफ्लेसिया, ऑप्शन बी ट्री पियोनी, ऑप्शन सी मैग्नोलिया या ऑप्शन डी हिबिकस। क्वेश्चन 76 का बताओ। और लाइक में कंजूसी मत करो, बच्चे ज़्यादा हो लाइक कम है, तो जिसने भी लाइक नहीं किया है सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पे महेंद्र पटेल सागर, स्वीट पॉइजन, क्लिर 123, ऋषिकेश, सत्यम, सभी का आंसर ए है। और उत्पल आयुष, आपका आंसर गलत है, डी नहीं होगा, ए होगा। 77, विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेज पक्षी कौन सा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे तेज पक्षी कौन सा है इनमें से। संचिता, अक्षय, विकास, सभी का आंसर ठीक है बिल्कुल। आप 77 का बताइए। स्विफ्ट नहीं है, फैलकॉन है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। पेरीग्रीन फैलकॉन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच स्टेट इज द कौंडिन्या बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, भारत के किस राज्य में कौंडिन्या पक्षी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78, 78, तो 78 का आयुष का है ए, संजीव का आंसर बिल्कुल ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आरसी भार्गव, ऑप्शन सी मैरी जॉर्डन, ऑप्शन सी निरुपमा यादव या ऑप्शन डी अमिश त्रिपाठी। 79th, तो 79th अजय तिवारी का बी, संचिता का, आयुष का डी, संजीव सिंह का आंसर बिल्कुल ठीक है, विनीत का आंसर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर दिया है अभी तक, और वेदांतो भादरी का भी और कमल चौहान का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, निरुपमा यादव। 1,000,000 तो ऐसे ही हो जाएंगे का भी बिल्कुल ठीक है, निरुपमा यादव। क्वेश्चन नंबर 80, ओरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ओरिया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरला में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, तथागत का उड़ीसा, तथागत ओडिया नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ीसा में मनाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा वाले सभी गलत हो, करेक्ट आंसर इज बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81, बगलीहर डैम इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बगलीहर बांध भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी राजस्थान। और किस नदी पर बगलीहर डैम बना हुआ है जल्दी से ये भी कमेंट करके बताओ। उड़ीसा नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मतलब कॉमन सेंस लगा देते हो लेकिन तुम लोग हमेशा गलत टाइम पे लगाते हो। तो इसका PDF आपको विकास इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, GA/GS बाय वर्षा सिंह पे। चेनाब करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में है और किस रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है, तो आंसर इज सी। 82, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WCO, WCO भी मुझे लगता है मैं 3 दिन में कम से कम 4-5 बार ही बता चुकी हूँ, क्योंकि जब इसके सगे संबंधी आते हैं तब भी इसकी चर्चा हो जाती है WCO की। किरण अभी ये क्लास 45 मिनट और चलेगी, तो WCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शिवेंद्र का आंसर है बेल्जियम, राम प्रवेश का है ग कोपनहेगन डेनमार्क, डीके मीना का सी, सागर राणा का ग्लैंड, धर्मेंद्र का ए, सुपर किंग का ब्रुसेल्स, रवि कुमार का सी, करेक्ट आंसर इज ब्रुसेल्स बेल्जियम। देखो मैंने, मुझे लगता है 5-6 बार ही तो बता चुकी, WCO, नाटो और यूरोपियन यूनियन, इस तीनों का हेडक्वार्टर याद रखो कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, WCO का, नाटो का और यूरोपियन यूनियन का, ये 3 हेडक्वार्टर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कहाँ से, बेल्जियम से, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 83, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस देश में है, भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 83,
83 का संजीव का आंसर है बी, बिस्ला का आंसर है बी, उत्पल आयुष का बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़, तुम्हारे छत्तीसगढ़ बिछड़ चुके हैं इसलिए बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, द लाल बहादुर शास्त्री कॉरपोरेशन स्टेडियम इज इन विच स्टेट। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी केरला में। क्वेश्चन नंबर 84th, तो 84th का कुणाल का बी, सागर का बी, अतलब का बी, तारिक का बी, नवीन का सी, विनीत कुमार का बी 100%। और सिर्फ तथागत का आंसर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। केरला में है लाल बहादुर शास्त्री कॉरपोरेशन स्टेडियम, और केवल तथागत और ने आंसर सही दिया है, बस एक ही ने दिया है, बाकी सब ने बी ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ल्ड ओशन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 8 जून को, या ऑप्शन डी 17 मार्च को। 85, और आशीष शिंदे का भी आंसर ठीक था, संजीव का भी आंसर ठीक था। अब 85 का आंसर बता दो, तो 85 का सभी का आंसर है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। 86, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर से, ऑप्शन सी लेदर से, या ऑप्शन डी ऑयल सीड से। क्वेश्चन नंबर 86, और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बारी आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है पेट्रोलियम, एंड पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जिसने भी बी बोला है, सनी प्रसाद 1 मिलियन तो ऐसे ही हो जाएंगे, वर्षा, जो भी बी वाले हो यहाँ पे, तो फर्टिलाइजर आपका ग्रे रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन से संबंधित होता है आपका फर्टिलाइजर्स। 87, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, मैं ही इसका आंसर बता देती हूँ। पहले 8 थे लेकिन आप 9 हो चुके हैं, तो आप करंट कितने मेंबर हो चुके हैं शंघाई के? 9। तो आपका नया क्वेश्चन इससे अब रिलेटेड ये बनता है कि शंघाई का 9th मेंबर कौन कंट्री बना है, शंघाई का 9th मेंबर कौन सा कंट्री बना है, अभी हाल ही में जल्दी से कमेंट करके बताइए। 88, किनशासा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किनशासा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए ट्रिनिडेड, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन सी मार्शल आइलैंड, या ऑप्शन डी इक्वेटोरियल गिनी। क्वेश्चन नंबर 88, बिल्कुल ईरान इज द करेक्ट आंसर। शुभम, शुभाशीष, ऋषिकेश, राज, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 1 मिलियन का भी आंसर ईरान बिल्कुल ठीक है, नवीन ईरान बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ 88 का, पाकिस्तान बन गया, अच्छा आंसर इज बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक होता है आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक होता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी किनशासा है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की क्या है, ब्रेटिस्लावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, सत्यदेव नारायण आर्य इज द इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सत्यदेव नारायण आर्य किस देश के वर्तमान राज्यपाल है? ऑप्शन ए हरियाणा के, ऑप्शन बी केरला के, ऑप्शन सी नागालैंड के, ऑप्शन डी उड़ीसा के। हाँ SRK, डेली ये क्लास होगी आपकी। राजकुमार, आपको ये क्लास ओवर होते ही 5 मिनट के अंदर इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा वाले सभी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है। आंसर इज त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर है, ठीक है। इनकम्बेंट पूछा था, मतलब मौजूदा पूछा था, फॉर्मर पूछता तो आपका हरियाणा ठीक था, लेकिन इनकम्बेंट में आपका क्या आंसर हो जाएगा, वो त्रिपुरा। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए म्यूनिक जर्मनी, ऑप्शन बी लॉजन स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी क्वालालंपुर मलेशिया, या ऑप्शन डी बुधापेस्ट हंगरी। क्वेश्चन नंबर 90, का विनीत कुमार का बी है, शुभाशीष का बी है,
और ऋषिकेश का भी बी है, शुभम मिश्रा का डी है। तो शुभम मिश्रा पहले IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर हंगरी में था, बुधापेस्ट में, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो करके स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहले हंगरी में था लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 91, पूर्णिया इन बिहार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बिहार में जो पूर्णिया है वो किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन डी पार्वती। 91। हाँ आशीष शिंदे भी 100% करेक्ट आंसर है। तो पहले बुधापेस्ट में ही था लेकिन अब उसको स्विट्जरलैंड में शिफ्ट किया गया। तो सभी का आंसर बिल्कुल सौरव, बिहार, कोशी इज द करेक्ट आंसर। 92, लेक पिचोला एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। पिचोला झील एक कृत्रिम मीठे पानी का झील है, वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए MP में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन डी गुजरात में। 92, कोई बात नहीं उज्जवल। 92, तो भारती गोस्वामी, DK मीना, शिवेंद्र सिंह, उत्कर्ष गुप्ता, धर्मेंद्र प्रजापति, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। 93, नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 93, 93 का बताओ जल्दी। तो सभी का आंसर है बिस्ला का बी है, सुपर किंग का बी है, शिवानी दुबे का बी है, संजीव का भी बी है, तथागत का भी बी है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर फुटबॉल। 94, ऑन विच रिवर बैंक इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्ट। किस नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 94, 94th का बिल्कुल नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहले आंसर दिया वर्षा का भी आंसर ठीक है, सागर राणा का भी आंसर ठीक है, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। 95, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 95, नूर अहमद खान का भी आंसर डी बिल्कुल ठीक है, ऋषिकेश का भी, प्रशांत का भी। अब 95 का बताइए। तो 95 सुपर किंग आपका आंसर सबसे पहले आया है और एकदम करेक्ट आया है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। 96, वीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। वीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। 96, क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 का DK मीना का आंसर सबसे पहले एकदम सही आया, सी इज द करेक्ट आंसर, बिहार में। ठीक है, बिहार इज द करेक्ट आंसर। और धर्मेंद्र प्रजापति का भी, वर्षा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बिहार इज द करेक्ट आंसर। 97, सवाई मानसिंह स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। बताइए सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो सभी का SRK यादव, ऋषिकेश, प्रशांत, सागर, मुकुंद, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। 98, ढोल चोलम और ड्रम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट। ढोल चोलम एक ड्रम नृत्य है जो कि भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन सी मणिपुर में या ऑप्शन डी आसाम में। 98, और सारे बच्चे एक बारी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 98 का बताइए आंसर। तो कामेश का आंसर सी है, SRK का भी सी है, सुपर किंग का भी, ममता विश्वकर्मा का भी सी है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। 99, इन विच स्टेट इज द कूटाघाट डैम लोकेटेड। भारत के किस राज्य में कूटाघाट बांध है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कूटाघाट कहाँ पे है बताओ। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है BC, करेक्ट आंसर इज D, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, पवन रावत का आंसर बिल्कुल ठीक है। और किस रिवर पे है कूटाघाट? खारून रिवर पे।
खारून रिवर पे बना हुआ है कूटाघाट डैम, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, वेयर इन इंडिया इज द विश्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड, भारत में विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उत्तराखंड। विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? अभी ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, अभी 70 क्वेश्चन और हैं, तो सभी का आंसर है उत्तराखंड। मुकुंद उत्तराखंड में नहीं है, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है आपका विश्वनाथ टेम्पल, तो इज द करेक्ट आंसर। अब वो 100 क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया, अब 70 क्वेश्चन और हैं। पेरिनी थंडावम इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पेरिनी थंडावम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है तेलंगाना। संचिता, नूर अहमद खान, कुणाल, रंजन, राहुल एंड तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? दरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी आसाम में, ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 का तो संचिता, विसला, ऋषिकेश, नूर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, आंसर इज डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी डेल्फ्ट नीदरलैंड या ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो डीके मीना, रंजन, संजीव, सभी का आंसर इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ब्रिस्बेन आंसर दे रहे थे, ब्रिस्बेन नहीं होगा। इन विच स्टेट इज द खेमसर फोर्ट लोकेटेड? किस राज्य में खेमसर किला है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का वर्षा का आंसर ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर। संजीव सिंह का भी ए, 1 मिलियन का भी ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज द इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड? भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जुलाई को, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 2 मार्च को या ऑप्शन डी 7 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो शुभाशीष का आंसर सबसे पहले एकदम करेक्ट आया, आंसर इज डी 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6, द मोहन बगान रत्न अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर टू आउटस्टैंडिंग? मोहन बगान रत्न पुरस्कार हर साल किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मर एक्टर्स को, ऑप्शन बी फॉर्मर बिजनेसमैन को, ऑप्शन सी फॉर्मर प्लेयर्स को या ऑप्शन डी फॉर्मर पुलिसमैन को। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे भानु प्रकाश, डीके मीना, धर्मेंद्र, कुणाल, शिवानी दुबे, धीरज, मुकुंद, सुपर किंग, सभी का फॉर्मर प्लेयर्स है एंड फॉर्मर प्लेयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गोपी ठोनाकल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? गोपी ठोनाकल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या ऑप्शन डी गोल्फ। हाँ, फुटबॉलर्स को दिया जाता है मोहन बगान। बाय नवीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, तो 7 का सभी का ए आ रहा है और संचिता का बी, सभी का गलत, करेक्ट आंसर इज सी एथलेटिक्स। और मुकुंद जोशी और हरिराव, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। विनायक सेन, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। और नूर अहमद खान का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और किस रिवर पे बना हुआ है ये भी कमेंट करके बताइए। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है और किस रिवर पे बना हुआ है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर एट तो 8 का सभी का आंसर है बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात किस रिवर पे बना हुआ है? बिल्कुल नर्मदा पर, ठीक है, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द्री फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9,
द्री फेस्टिवल, तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, अरुणाचल प्रदेश में डी इज द करेक्ट आंसर। और सभी ने नर्मदा रिवर सही आंसर बताया है सरदार सरोवर का। क्वेश्चन नंबर 10th, टेंगे इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, टेंगे किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी जमैका या ऑप्शन डी सुदान। क्वेश्चन नंबर 10th। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th का प्रशांत का आंसर बिल्कुल ठीक है, राहुल का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कजाकिस्तान की है। क्वेश्चन नंबर 11th, स्वराज भवन इज एन आइकॉनिक म्यूजियम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। स्वराज भवन इनमें से किस शहर में स्थित एक प्रतिष्ठित संग्रहालय है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11th, इम्तियाज, जब बच्चे ही रात को पढ़ते हैं तो मैं रात को ही क्लास लूंगी, आधे से ज़्यादा बच्चे तो 10-11 बजे सो करके उठते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th का ऋषभ, मुकुंद, उज्जवल, राहुल, आदित्य, सुपर, भारती, सभी का आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 12th, ओइलट्टम, पुलियट्टम, बोमलट्टम आर सम ऑफ द इंडियन फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 12th का हरी राव ने सबसे पहले आंसर दिया और एकदम करेक्ट आंसर दिया है, आंसर इज सी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th, दरिया दौलत बाग पैलेस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दरिया दौलत बाग महल भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13th, दरिया दौलत बाग पैलेस किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13th का सभी का आंसर आ रहा है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 14th, कायरो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, कायरो किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए लाटविया की, ऑप्शन बी हेती की, ऑप्शन सी डोमिनिका की, ऑप्शन डी इजिप्ट की। कायरो किस देश की राजधानी है, और जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, 150 लाइक तो कंप्लीट करो, 150 करोगे तभी तो उसके बाद 200 करोगे। 14th, तो यहाँ पे गलत देने वाली कुछ बात ही नहीं थी, जो बच्चे सी और डी बोल रहे, सी डी तो सही है, खैर बी वाले किस हिसाब से बी बोल रहे हो, हेती की पोर्ट एयू प्रिंस होती है, पोर्ट एयू प्रिंस, और जिसने भी सी बोला है डोमिनिका उसकी रोसाओ होती है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15th, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, अल्ताफ आपको बता दिया ना बी नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी का आंसर गोल्फ कौन बता रहा है, आदित्य है, गोल्फ नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल नर्स डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस तारीख को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 12 मई या ऑप्शन डी 27 जून। नमस्ते किस्मत मीना, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है 12 मई, एंड 12 मई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ दीज स्टेडियम इज बेस्ड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा स्टेडियम मध्य प्रदेश में आधारित है। ऑप्शन ए ब्रैबॉर्न, ऑप्शन बी ऐशबाग, ऑप्शन सी बख्शी या ऑप्शन डी छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 17th, और एक बार सभी जल्दी से शेयर और लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो 17th का सभी का आंसर बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐशबाग। ब्रैबॉर्न सब जानते ही होंगे महाराष्ट्र में, बख्शी आपका जम्मू एंड कश्मीर में, छत्रसाल आपके दिल्ली में है। 18, द हेडक्वार्टर ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट ब्रुसेल्स बेल्जियम। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी OECD, ऑप्शन सी APEC या ऑप्शन डी OPEC। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी का ए, नाटो, कुणाल का आंसर है डी। कुणाल डी जो आंसर दे रहे हो, OPEC का हेडक्वार्टर आपके वियना में है, ठीक है। APEC जिसने आंसर दिया है, तो APEC का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। OECD वाले पेरिस पहुंच जाओ, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाटो।
19th डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. डेजर्ट नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान. बताओ. तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. आंसर इज डी राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 20. विच अमंग दीज एयरपोर्ट इज नॉट बेस्ड इन कर्नाटका. इनमें से कौन सा एयरपोर्ट कर्नाटका में नहीं है? ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी सोनारी, ऑप्शन डी बेलगांव. क्वेश्चन नंबर 20. तो 20 का मैसूर नहीं है आदित्य. वर्षा का बी, सुपर किंग का सी. तो सभी बच्चों का सी ही है लगभग. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. सोनारी नहीं है, क्योंकि सोनारी आपके कहाँ पे है, किस स्टेट में है सोनारी एयरपोर्ट. इंटरनेशनल टी डे आपका 21 मई को आता है. इंटरनेशनल टी डे 21 मई. द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दीज बैंक इज इन कोलकाता. इनमें से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? बताओ सोनारी एयरपोर्ट कहाँ पे है. आपको दो ऑप्शन दे देती हूँ, या तो झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है. तो बताइए इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है. पंजाब किस हिसाब से बोल रहे हो, मैंने तो दो ऑप्शन भी दे दिए, झारखंड या छत्तीसगढ़. तो यहाँ पे यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है. बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी वहीं पे है, और पंजाब नेशनल बैंक आपके दिल्ली में है. बैंक ऑफ इंडिया सॉरी मुंबई में है, इंडियन बैंक आपका चेन्नई में है, ठीक है. बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन ओवरसीज बैंक आपका चेन्नई, और पंजाब आपका दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा. क्यूबा की कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए निकोशिया, ऑप्शन बी ज़ैग्रेब, ऑप्शन सी पराग्वे या ऑप्शन डी हवाना. क्वेश्चन नंबर 22. तो 22 सभी का आंसर हवाना एकदम करेक्ट, ठीक है हवाना. और निकोशिया की क्या है, निकोशिया की राज, निकोशिया किसकी है बताओ. व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पीयूष गोयल. पीयूष गोयल का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी एमपी. निकोशिया किसकी थी, अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया. सिप्रस की थी निकोशिया. तो यहाँ पे सभी का आंसर है डी, और डी एकदम गलत आंसर है. करेक्ट आंसर इज बी, राज्यसभा महाराष्ट्र. बी इज द करेक्ट आंसर, राज्यसभा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ना कि मध्य प्रदेश. 24th. व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली. विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून को, ऑप्शन बी 19 जुलाई को, ऑप्शन सी 30 जनवरी को या ऑप्शन डी 4 मार्च को. सिप्रस करेक्ट आंसर, मैंने बता तो दिया वैसे. सिप्रस लेट बता रहे हो आप. तो सभी का बिल्कुल करेक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था वैसे. 23 जून इज द करेक्ट आंसर. 24th. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक बेस्ड इन विच कंट्री. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए डेनमार्क में, ऑप्शन बी स्वीडन में, ऑप्शन सी नॉर्वे में या ऑप्शन डी फिनलैंड में. क्वेश्चन नंबर 25. 25 संजीव सिंह का आंसर सबसे पहले आया और एकदम करेक्ट आया. आंसर इज डी फिनलैंड. क्वेश्चन नंबर 26. इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम इज अ फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. बताइए. क्वेश्चन नंबर 26. इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी असम में या ऑप्शन डी एमपी में. क्वेश्चन नंबर 26. तो 26 का शुभाशीष का सी, डी के मीना युव सभी का सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, आसाम में है, ठीक है. यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन में नहीं था, वरना सारे बच्चे दिल्ली लगा देते. क्वेश्चन नंबर 27. भुंटूर एयरपोर्ट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट. भुंटूर एयरपोर्ट एक भुंटूर हवाई अड्डा एक राज्य में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी कर्नाटका. 27th. और सारे बच्चे जल्दी से एक बारी सेशन को लाइक कर देना. 27th बिल्कुल हिमाचल में है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर. 28. श्रीनगर लाइज अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर. श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। क्वेश्चन नंबर 28। बाय वर्षा, तो 28 का एसआरके का चेनाब, उज्जवल का झेलम, स्वीट पॉइजन का झेलम, विनायक का झेलम, ऋषि का झेलम एंड झेलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, झेलम, धीरज का भी झेलम करेक्ट आंसर है। 29th, विच स्टेट हैज़ द कुद्रेमुख नेशनल पार्क? कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी हिमाचल में, ऑप्शन डी गुजरात में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है? तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, करेक्ट आंसर इज बी कर्नाटका। 30, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी लोकेटेड? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी कोलोगोनी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कोपनहेगन डेनमार्क, या ऑप्शन डी लंदन यूके। क्वेश्चन नंबर 30, अक्षय, शिवानी दुबे, भानु प्रकाश, कुणाल, भारती गोस्वामी, प्रशांत राज, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। राहुल वर्मा का भी आंसर इज सी डेनमार्क, कोपनहेगन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अगत्ती एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? अगत्ती हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पे है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, या ऑप्शन डी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 31, अगत्ती कहाँ पे है? तो राज रवि राजकुमार कवि का आंसर सबसे पहले और एकदम करेक्ट आया है, आंसर इज सी लक्षद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 आंसर दो आप लोग। एक मिनट आप आंसर दीजिए। एक मिनट बस आप आंसर देना। तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आबूजा, ठीक है, आबूजा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए लंदन यूके में, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन सी दुबई में, या ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। मुकुंद जोशी का आंसर सबसे पहले आया और एकदम करेक्ट आया है। 35, विंचेस्टर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विंचेस्टर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी पोलो। क्वेश्चन नंबर 34, विंचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए। तो 34 बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, पोलो। तो पोलो से रिलेटेड एजरा कप और विंचेस्टर कप याद रखना, एजरा कप और विंचेस्टर कप दोनों के ही नाम याद रखिएगा। 35, मिरेकल एट हैप्पी बाजार इज रिटन बाय विच ऑथर? हैप्पी बाजार में चमत्कार किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम संपत, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी लामर ओडम, या ऑप्शन डी रश्किन बॉन्ड। 35, क्वेश्चन नंबर 35, तो कुणाल, रोहित, उत्पल, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, रश्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज गांधी ऊंचाहर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश में ही, ऑप्शन डी गुजरात में। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का गुजरात में नहीं है, यूपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी यूपी करेक्ट आंसर होगा। 37th वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व ऑन 28th ऑफ विच मंथ? विश्व रेबीज दिवस हर महीने किस महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जुलाई। 37, तो 37 का सभी का आंसर शुभाशीष का बी, डीके मीना का डी। कितनी बारी तो बता दिया, सितंबर 28 इज द करेक्ट आंसर। 38, वेयर इन इंडिया इज द डीमना नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत में डीमना नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी सिक्किम में। 38, डीमना नेशनल पार्क कहाँ पे है? 38, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आदित्य का सबसे पहले, वो भी ए इज द करेक्ट आंसर। संजीव सिंह का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ए झारखंड में है। 39, लेव इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? लेव किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए क्रोशिया, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी तंजानिया या ऑप्शन डी बुल्गेरिया। क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर इज डी बुल्गेरिया। ठीक है, बुल्गेरिया की है करेंसी लेव। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच स्टेट इज द बद्रीनाथ टेम्पल सिचुएटेड? भारत के किस राज्य में बद्रीनाथ मंदिर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है बी। शालीन सिंह का आंसर है सी, शालीन बी, सी नहीं होगा, बी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन विच प्लेस? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी एथेंस या ऑप्शन डी वियना। क्वेश्चन नंबर 43, और जितने भी बच्चे लाइव नए आ रहे हो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है शुभाशीष का, आंसर इज डी वियना, वियना इज द करेक्ट आंसर। विनायक सेन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, इम्तियाज़ अहमद ने भी सही आंसर दिया है, धर्मेंद्र ने भी, सुपर किंग ने भी, कामेश ने भी, धीरज डोरस ने भी, वियना इज द करेक्ट आंसर। 44th, वेयर इज द पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर्ड? और केवल अब 26 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो सारे बच्चे 26 क्वेश्चन पूरा अटेंड करो। ठीक है, बस 26 क्वेश्चन बाकी है, तो 26 क्वेश्चन पूरा अटेंड करिए। और जो भी बच्चे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, GA/GS/वर्षा सिंह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44th, तो 44th द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। 45, विच सिटी इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड? किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? और जब भी आप लोग अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे बैंक का, SSC का, रेलवे का, कोई सा भी कोर्स, चाहे आप UPSC का ही लेते हैं, तो भी आप इसी कोड का यूज़ करिएगा वर्षा का। चाहे आपके भाई बहन ले CBSE वगैरह का, IIT वगैरह का, तो आप इस कोड का यूज़ करिएगा वर्षा का, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है आसानसोल को कोयला के कारण, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 46, तेहरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तेहरी बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। 46, तेहरी डैम, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। किस रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच स्टेट इज द मोहाली क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? किस राज्य में मोहाली क्रिकेट ग्राउंड है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी केरला। मोहाली क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? तो सभी का आंसर मोहाली, जब मोहाली लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? पंजाब में, बी इज द करेक्ट आंसर। 48, कुरनूल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कुरनूल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी बराकर। क्वेश्चन नंबर 48, कुरनूल,
बिल्कुल आंसर इज ए तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच इंडियन स्टेट इज द स्वीट फॉल लोकेटेड। भारत के किस राज्य में स्वीट फॉल है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो स्वीट फॉल किस राज्य में है? और जो भी बच्चे नए आए हो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर इज सी मेघालय में है स्वीट फॉल आपका। 50, हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। किसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सी राजा गोपालचारी को, ऑप्शन बी चमा राजा वोडियार को, ऑप्शन सी हैदर अली को या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 50, तो उत्पल, शिवानी दुबे, ऋषभ, सुपर किंग, मीनाक्षी भमानिया, डीके मीना, राजकुमार रवि, एक मिलियन, आदित्य, अजय तिवारी, सभी का आंसर डी है एंड डी इज द करेक्ट आंसर टीपू सुल्तान। 51, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉबल फैंटेसी एलिस इन द वंडरलैंड। एलिस इन द वंडरलैंड नोबल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी जेन ऑस्टेन, ऑप्शन सी लुइस कैरोल या ऑप्शन डी रडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 का विनीत का सी, उत्पल का सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर लुइस कैरोल। क्वेश्चन नंबर 52, इमैनुअल मैक्रोन इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इसराइल या ऑप्शन डी मालदीव्स। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के हैं? तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, फ्रांस के हैं। 53, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 27th ऑफ विच मंथ। विश्व पर्यटन दिवस सालाना किस महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर या ऑप्शन डी दिसंबर। विश्व पर्यटन दिवस, तो सभी का आंसर है सितंबर एंड सितंबर इज द करेक्ट आंसर सितंबर। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन। तो आपको इसमें से रॉन्ग ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जो ऑप्शन के हेडक्वार्टर गलत दिए गए हैं। ऑप्शन ए एनडीबी का शंघाई में, आईएफएडी का रोम में, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका फिलीपींस में, ऑप्शन डी यूरोपियन बैंक का आपका लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 54th, तो अजय तिवारी, जैनुल अबिदिन, जैनुल आज आप लेट आए हो क्लास में, आदित्य, धीरज, किशन, तो सभी बच्चे गलती दे रहे हो लगभग। करेक्ट आंसर इज डी ईबीआरडी। तो ईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ? दो ऑप्शन दे देती हूँ, या तो लंदन में है या न्यूयॉर्क में है, अब बताइए कहाँ पे है ईबीआरडी का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 55, द वर्ल्ड फेमस केंची धाम आश्रम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। विश्व परिषद प्रसिद्ध केंची धाम आश्रम भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए आसाम, लंदन इज द करेक्ट आंसर, तो लंदन में है, ठीक है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। लंदन में है, लंदन में धर्मेंद्र, तो एक मिलियन का यूके, संजीव का यूके एंड यूके इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में। 56, द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी यूके या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, तो रोहित रघुवंशी ने, उत्पल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर इज लंदन यूके। 57, इन विच सिटी इज द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सिचुएटेड। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य, किस शहर में है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी देहरादून। जॉली ग्रांट कहाँ पे है? और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर देना जिसने भी लाइक नहीं किया अभी तक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर इज डी देहरादून। 58, रेड कार्ड, स्वीपर, ब्लाइंड साइड, फुल बैक, हाफ बैक आर सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉर्स राइडिंग या ऑप्शन डी शूटिंग। 58, तो 58 का सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर इज बी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। मनोज शर्मा मोतिहारी, हेलो नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 59, रोसाओ इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। रोसाओ किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए
डोमिनिका की, ऑप्शन सी जॉर्जिया की, ऑप्शन सी जमाइका की, ऑप्शन डी मोल्डोवा की। 59th, तो 59th बिल्कुल डोमिनिका ए इज द करेक्ट आंसर। जॉर्जिया की क्या है? ब्रिजटाउन। जमाइका की किंगस्टन। और मोल्डोवा की क्या है? चिस्नो। 60, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, या ऑप्शन डी यूएस चैम्बर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का जैनुल, रोहित, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज द करेक्ट आंसर। और अजय तिवारी का भी, विकास कुमार जैना का भी आंसर ठीक है, सुपर किंग का भी आंसर ठीक है। 62, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट्स विच कंट्री विद इंडिया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी चाइना। मैं क्लास अपने घर से ले रही हूँ, और कहाँ से लूँगी? तो सभी का आंसर आ रहा है चाइना, एंड चाइना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, इंडियन जायंट स्क्विरल इज द स्टेट एनिमल सिंबल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारतीय विशालकाय गिलहरी भारत के किस राज्य का एक राज्य पशु प्रतीक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63, बिल्कुल आंसर इज महाराष्ट्र का है। 64th, द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिवनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, या ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के द्वारा। 64th, तो 64th का सी बता रहे हैं सारे बच्चे। करेक्ट आंसर इज बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी नहीं होगा उज्जवल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 65, द विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, या ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 65, अभी इम्तियाज बस आपके 5 क्वेश्चन और बाकी है, 5 क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक और शेयर कर देना। तो 65 का आंसर सभी का सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर बास्केटबॉल। 66, चारकुला इज एन इंडियन फोक डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? चारकुला एक भारतीय लोक नृत्य है जो कि भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी हरियाणा से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो 66 का आंसर बिल्कुल उत्तर प्रदेश, डी इज द करेक्ट आंसर। 68, वर्ल्ड म्यूजियम डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व संग्रहालय दिवस सालाना किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 21 जून, या ऑप्शन डी 10 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 68 का उत्पल का आंसर बिल्कुल ठीक है। 69, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी असम। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आंसर हो जाएगा आपका असम। एक बारी कल का टाइम सुन लो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लेना। कल सुबह 11 AM, उसके बाद 1:55, उसके बाद 4:55, उसके बाद आपकी है 7:30, और उसके बाद है आपका 10:30। तो 11 AM पे यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे होगी यूट्यूब पे, 7:30 पे भी आपकी यूट्यूब पे होगी, 10:30 पे भी आपकी यूट्यूब पे होगी, और ये दोनों क्लासेस आपकी अन अकेडमी के ऐप पे होगी, ठीक है? तो सुबह 11 बजे क्लास है, फिर 1:55 पे है, 4:55 पे है, 7:30 पे है, और 10:30 बजे पे है, ठीक है? तो 10:30 बजे आपका मॉक ही होगा, 11 AM पे स्टैटिक होगा, और 7:30 पे आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है?
पॉलिटी के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे 7:30 पे यहीं यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे, और अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे मेरी कल दो क्लासेज है 1:55 और 4:55 पे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, मेरा नाम सर्च करके वर्षा सिंह आप मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे, और क्लास अच्छी लगे तो हैट भी डेडिकेट करना। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिएगा आप मेरा रेफरल कोड वर्षा यूज़ करिएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी अभी क्लास ओवर होने के 5 मिनट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का आंसर क्वेश्चन 70, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए। और जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। शुभम, 9 नहीं होता, आंसर इज 7। 7 कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और एक और कौन सा बच गया, अफगानिस्तान। ये 7 कंट्री है जिसके साथ आपके इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। सारे बच्चों को थैंक यू, जल्दी से आप सभी बच्चे लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलेंगे सुबह 11 बजे, टाटा, टेक केयर, थैंक यू। कल सुबह 11 बजे क्लास होगी आपकी यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो टाटा सभी को, थैंक यू, टेक केयर। हाँ अमर्त्या, हर साल होता है अगर कुछ प्रॉब्लम ना आए तो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।